एक आध के जी झुमका जो उधर कहीं रखा हुआ था, आप सेवा कर ही रहे हैं मेरा, अनपढ़ जाहिल वाला बात कर रहे हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और वैसे तो कल ब्रेकफास्ट में हम ट्राई किए थे गुजराती डिश थेपला। अब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमको और क्या क्या ट्राई करना चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में। फिलहाल अभी 9:30 से ज्यादा हो रहा है और अभी हम शैम्पू करके आ चुके हैं। मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट, करेंगे और देखते हैं आज वैसे हम क्या पहनने वाले हैं। हम डेली मतलब तैयार नहाने के बाद ही डिसाइड करते हैं जाके हमको पहनना क्या है। आज कोई कुर्ती नहीं, आज हम जींस टॉप पहने। और हम एक चीज दिखाते हैं आप लोगों को, ये एंकलेट हम उस दिन मार्केट से लेके आए थे, वो पहन लिए। अब वो हम नीचे से दिखाते नहीं तो ऊपर ही पैर कर लिए। बाकी यहाँ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट भी बन चुका है, चलो देते हैं। जिंदगी जीने का जरिया है वो मम्मी। और यहाँ गर्मा गर्म परोर, और ये मम्मी के ही रात में मिल सकता है गर्मा गर्म खाना। क्या मम्मा और उतना तो सुनाई नहीं दिया। मम्मी हम रूम में बैठ के पेंटिंग कर रहे, मेरा जो वो वाला दुपट्टा हम पेंटिंग कर रहे थे, फाइनली वो कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। आ गए बिना लंच लिए, बाकी आप लोग ये दुपट्टा देख लो, लगभग ये दुपट्टा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा काम बाकी है, इसमें ब्लू कलर बाकी है और इसको हम एकदम सिंपल सा किए हैं। और बताओ आप लोग कैसा लग रहा है। वैसे इसका हम अच्छा सा फोटो शूट करेंगे जब, तो हम अच्छे से आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखा देंगे। बाकी अपना बैग पैक कर लेते हैं, बिना लंच लिए पता उतर चुके हैं। उसके बाद अभी हमको याद आ रहा है कि लंच तो हम लाए नहीं है। इतना ज्यादा खराब है कि क्या बताएं, पूरा एकदम हालत खराब है। और जो टाइम 10 मिनट लगता है, 10 का मतलब 20 मिनट लग जाता है पूरा घुमा फिरा के यहाँ पे। और लास्ट में पता है क्या हुआ, वो क्या बोलते उसको ब्लैक वाला जो भैंस होता है उसके पूरा इसमें मट्टी वट्टी में लोटा हुआ था और ऐसे करके मुंह झाड़ के पूरा लग गया। और पास में कोई कपड़ा भी नहीं था, कागज लेके घूम गया। देखो हल्का हल्का कपड़े पे दिख रहा है, ये वाला ना टॉप है मेरा पनौती, जिस दिन पहनते खाना का दाग लगता है। लंच की तलाश में आए आप लोग, फिलहाल आसमान देखो और साथ में हमको भी देखो कुछ सीन कर रहे हैं। अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या खाएं, सोच रहे हैं क्या खाया जाए। तो आज हम लोग सोच रहे कि खाएंगे चाट, पर चाट का कोई ठेला ही नहीं मिल रहा हम लोगों को। लेट्स सी किशन चाट, चाट मिलता है या नहीं। बिरयानी बट वेज पनीर, यस देखो पनीर है, सावन का पहला बिरयानी वो भी वेज। खा के आ गए वेज बिरयानी। अरे यार वेज बिरयानी कह लो या वेज पुलाव कह लो, जो भी कह लो, खा लिया, पेट भर गया अच्छा खासा। और अभी ना मतलब थोड़ा देर पहले हम पेंटिंग कर रहे थे, एक कुर्ती आया है उस पर और बहुत सुंदर पेंटिंग हुआ, ठीक है आप लोगों को भी चल के दिखाएंगे। और एक जो बड़ा वाला कैनवास पे पेंटिंग कर रहे थे वो कल ही, वो भी थोड़ा थोड़ा हो चुका है, तो चलो वो भी आप लोगों को हम दिखाते हैं। बाकी आप लोग अभी मौसम देखो, क्योंकि आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, देख रहे हो। वाव, इतना भी गर्मी नहीं चाहिए था भगवान जी, थोड़ा सा बरसात दे दीजिए बस, थोड़ा सा, इतना सा, लिटिल लिटिल सा। हमको भी आया अपना अपने बर्थडे का एक आउटफिट आइडिया, तो हम सोचे आप लोग के साथ शेयर किया जाए। अभी जिस कुर्ती में हम पेंटिंग कर रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है हम सोच रहे उसी टाइप का एक थोड़ा मतलब हमको जैसा चाहिए वैसा कुर्ती बनवाते हैं और एकदम मस्त उसमें पेंटिंग करेंगे और बर्थडे वाले दिन पहनेंगे। क्योंकि हमको अपने बर्थडे के लिए दो ड्रेस चाहिए था, एक पार्टी वाला और एक ट्रेडिशनल, जिसमें कि ये वाला कुर्ती मस्त लगेगा। मतलब अचानक से मेरे दिमाग में इतना अच्छा अच्छा आइडिया आता, बताओ मेरा दिमाग कितना अच्छा है। तो आज का मेरा वर्क था कृष्ण जी और राधा माँ का जो पेंटिंग था उसको कंप्लीट करने का, और व्हाइट कलर का कुछ डिटेलिंग इसमें बाकी रह गया जिसको हम करेंगे अगले दिन। और आप लोग कमेंट में बताओ इस वाले पेंटिंग के बारे में आप लोगों को अगर कुछ याद है तो। और इसके बाद फिर आज हम किए थे एक सूट में भी आउटलाइन, जो कि कुछ यहाँ पे था गले के पास कुछ इस तरह का डिजाइन था और हाथ में इसको इस तरह से किए थे। और इसको हम बस दो ही कलर में बना रहे, मरून और ब्लैक, और यहाँ पे कलर फिल करी थी स्वाति। फिर हुआ खत्म और आज थोड़ा पहले निकले तो हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ऐसे तो इतना ही लेट निकलते हैं ना कि निकलने के साथ ऑटो लो और घर जाओ। और वैसे अभी भी वैसे सिचुएशन चल रहा है और ऊपर से तो ऑटो मिल नहीं रहा है, और मिलेगा भी तो वो घुमा फिरा के जाएगा, पता नहीं क्या सीन होगा, कब ठीक होगा। हमको लगता है एक अपना प्राइवेट बुलेट नहीं प्राइवेट जेट ले लेते हैं, एकदम उड़ के आएंगे, उड़ के जाएंगे और सारा काम हो जाएगा। अभी घर चल के भी पता है हमको जाना है पेंटिंग लेने के लिए, एक मतलब वही कपड़े पे सिल्क वाले कपड़े पे ही पेंटिंग होना था। और 4 दिन पहले हम लेने के लिए जाने वाले थे बट हम भूल गए, उसके बाद वो भी टल गया और उसका दावा भी पता चला कि आ जाके वापस उसको लेना पड़ेगा, तो लेंगे जब करेंगे तो देखना। फिलहाल चलो चाय पीने के लिए चलते हैं। और सामने में हमको रिसेप के कैटेगरी का बहुत सारा लोग दिख रहा है, तुम दिखाते आप लोग। एक ऑरेंज सबका सकल रिसेप से मिल रहा है।
बहुत बन गया एस्थेटिक। अब जो है ना गर्मी से हालत खराब हो रहा है, जब चाय आएगा ना फिर से एक तो म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम ऐसे बैठेंगे, पसीना से हालत खराब है लेकिन फिर भी चाय पीना जरूरी है। बाकी ये लिली का सस्ता वर्जन जो भी है बहुत सुंदर है। आपका ही बना रहे भैया, थैंक यू। गर्मी हो या ठंडी, ना संडे हो या मंडे, रोज पियो चाय। ये वेज जो नॉन वेज नहीं होते, जो मतलब मीट मछली नहीं खाते उसको नॉन वेज बोलते हैं, उसको वेज बोलते हैं। जो साग सब्जी खाते उसको क्या, अनपढ़ जाहिल वाला बात कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो सब्जी खाते उनको वेज बोलते हैं। हाँ तो उन लोगों वो लोग यही वाला डायलॉग यूज कर सकते हैं, संडे हो या मंडे रोज पियो चाय या रोज खाओ सब्जी। इतना गंदा रोड पे होता है ना कि घर आने के साथ अभी हम नहाए और यहाँ मम्मी देख रहे सेवा कर रही है। ओहो सेवा सेवा लोल का एक झलका देंगे, आप सेवा कर ही रहे हैं मेरा, मेरे मेरे खिदमत में यहाँ पेश किया गया है। कौन चीज का चिल्ले हमको नहीं पता। तो मेरा बाल काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, मतलब एज कम्पेयर टू जैसा हम करवाए थे उसके कम्पेयर में थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो अभी चलो चलते हैं चाय वाय बनाने के लिए और फिर चलेंगे दुकान पे। हमारा डिनर उनर हो गया और यहाँ पे अभी हम अपना झुमका का कलेक्शन करें। मम्मी एक आध केजी झुमका जो इधर कहीं रखा हुआ था और है कहीं क्या, कि जो आपके रेक पे बस वही है, आधा केजी और था ना। मम्मी की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मम्मी समझ नहीं रही है। मम्मी अभी अपने काम पे, अभी एक और मिला है निकाल के। तो बोला जैसे एक कलाकारी तुम नहीं समझोगे, अभी हम आप लोगों को दिखाते कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो मेरा झुमका का कलेक्शन निकल रहा है, कोई डिब्बा में तो अभी खत्म का हुआ, अभी यहाँ इतना सारा, यहाँ देखो यहाँ यहाँ लुक एट दिस मम्मा। तो गुड़िया कहाँ से आई रही, मम्मी परेशान है, इस लड़की के पास बहुत ज्यादा झुमका हो गया है, तभी हम बस निकाल रहे। ये वाला देखो ये तो मेरा फेवरेट है। आप बोलोगे बहुत बड़ा है, बस तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पहनते, पहन लेंगे ना, क्या बोलिए बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। खोलो उसको, कितना दो तीन बार तो मेरे से पहन के खुलवाई है। झुमका जिसका दो नग निकल गया बट क्या ही कर सकते हैं। और एक छोटे छोटे सा झुमका जो कुछ दिन पहले लिए थे हम, सारे इयरिंग के साथ कुछ ना कुछ स्टोरी जुड़ा है। तो आप लोगों के साथ ना एक सेपरेट वीडियो ही हम शेयर करते हैं अपना झुमका कलेक्शन। तो अगर ऐसा कोई वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से भर भर के कमेंट कर दो। अभी हम बैठे पेंटिंग कंप्लीट कर ले, इसमें ब्लू कलर थोड़ा सा बाकी लग गया और यहाँ के पत्ता में ग्रीन कलर, और यहाँ सकते हम अपना कलाकारी दिखाते हुए। मेरा किले चुरा के यहाँ क्या बनाया, अरे वाह शिवलिंग बनाया, दिखा दिखा दिखा। जय महादेव, हर हर महादेव, वाह बोले। दोनों को मिक्स करके अच्छे से बनाना सुबह में, तो है कि कभी हार्ड ही नहीं होगा ना, दोनों को मिक्स करेगा, उसका सॉफ्टनर कहाँ, उसको मिक्स करेगा ना अपना। अब कल बनाना। तो अभी जो हम दुपट्टा में पेंटिंग कर रहे थे वो फाइनली कंप्लीट हो गया। सत्यम वीडियो बना रहे थे, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बाकी दुपट्टा आप लोग देखो। और ये दुपट्टा पहन के आप लोग डांस भी कर सकते हो, भांगड़ा भी कर सकते हो। अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप उनको मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो भी कर लो, मासू नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखना अपना।